ऑक्टोबर से सभी वरिष्ठ नागरिक बिल आप सभी का जिला प्रशासन की तरफ से अभिनंदन करते हैं और आपको साधुवाद देने की अनुसूचना पर आप लोग इस छोटे से अवेयरनेस प्रोग्राम में आप उपस्थित हो गए। इसका मुख्य मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों को जो राजकीय सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे सीनियर सिटीजन होनी चाहिए आपकी, उसके समानांतर आपके जो वरिष्ठ नागरिक बन जाने के बाद जो सामाजिक जीवन में कुछ परिवर्तन आता है, कुछ समस्याएं आती हैं, उसी से मुझे वरिष्ठ नागरिक संवर्धन के लिए उसकी समाधान के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ सामाजिक जीवन इतना समरस है कि किसी भी वरिष्ठ नागरिक के यहाँ से हमें अपनी नई पीढ़ी के संदर्भ में कोई कमरे नहीं है कि मुझे वो भोजन नहीं करते हैं या मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। दिल्ली में जब मैं इससे पूर्व ड्यूटी में था तो हमारे ऑफिस में करीब 20% इसी तरह के मामले आते थे। सीनियर सिटीजन को उनके बच्चे नई पीढ़ी को साथ नहीं रखती है, भरण पोषण नहीं करती है, उनको जो न्यूनतम समय परिवार से मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। ये आप लोग की उपलब्धि है कि अभी पीढ़ी का आपका जो संवाद है वरिष्ठ नागरिक का जीवन हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है। ये हमारा एक ईश्वर का नियम और व्यवस्था है कि बाल्यकाल उसके बाद में आप युवा अवस्था में आते हैं, उसके बाद में वरिष्ठ नागरिक के बदौलत अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसको मैं आप लोगों को कहूँगा नमस्ते करें, बड़े गौरव के साथ जिए, क्योंकि आपने जो राष्ट्र के लिए समाज के लिए जो करना था सबसे अच्छा कर दिया है। अब हम लोगों की जिम्मेदारी है, आपकी जो नई जनरेशन की जिम्मेदारी है कि आप लोगों को मान सम्मान दें, स्वस्थ रखें और जितना कोशिश हो उतना आप लोगों को अच्छा वातावरण दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों को जो आज उसको कुछ भेंट किया गया है इसके लिए पूरी टीम को स्पेशली मैथी मैम को मतलब बार थैंक्स। मुझे अपनी समय में बताया था कि सर एक छोटा सा कार्यक्रम रखना है और हम आज सीनियर सिटीजन जो भूला के उनसे संवाद करेंगे और उनको सुविधाएं या जो भी उनके ऐसे उसमें चिंतन करेंगे। तो अगेन पूरी टीम को वार्म थैंक्स और आप लोग इसी तरह से इसी भावना के साथ सामाजिक जीवन जिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीर्घायु हो, धन्यवाद, थैंक यू।